बस पीछे जाना बेटा, देखो मैं डॉगी पीछे ले रहा हूँ, बस पीछे जाओ, बस वेरी गुड, चलो आ जाओ, आगे आओ, चलो आगे आओ, रेडी ऑर्डर, सर को देखो बेटा, सर को देखो, डरो 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 डरो, सामने देखो, डरो सामने देखो, सामने देखो, मिला क्या? दोनों का कंबाइन अपना आवाज कर दिया अभी मैंने कुछ छूट दी है बाप बेटों को अकेले टाइम स्पेंड करने की और ये देखने की कि सम्राट जी किस तरह से बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। उनके हिसाब से मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और बच्चे का ख्याल वो बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो ताऊ जी ने भी यही डिसाइड किया है कि जो काम करना है शौर्य का सम्राट ही करेंगे। तो ये पार्क का सीक्वेंस है जहाँ सम्राट अपने बच्चे को लेकर आए हैं खेलने के लिए, बट अपेरेंटली सिंस एक बाप को नहीं पता होता कि बच्चे का ध्यान कैसे रखा जाता है, उसके पीछे पीछे कैसे भागना होता है, वो लापरवाह होकर अपने फ्रेंड्स के साथ मैच देख रहे हैं और यहाँ बच्चा अकेला कहीं गुम गया है, एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया है और यहाँ से गाड़ी आ रही है जो बीच रास्ते में वो फंस गया और गाड़ी उसे टक्कर मारने को ही होती है कि मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो आई थिंक इट्स एन एंटायर सिचुएशन वे टू शो के माँ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, भले ही उसे कितना अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि आपके घर में क्या काम होते हैं, दिन भर आप घर पे ही तो रहती हैं, खाना बनाती हैं, घर साफ़ करती हैं, इससे ज़्यादा करती क्या है, दिन भर सोती रहती होंगी, पर एक माँ को पता होता है कि एक इस उम्र के बच्चे के पीछे उसकी कितनी एनर्जी जाती है, कितना टाइम जाता है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ रियलाइजेशन टू अ फादर कि एक माँ के कितने काम होते हैं और माँ का काम करना बाप के लिए आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको मालूम था कि सम्राट ऐसा करेगा तो आप पीछे चुपके से देखने के लिए आ गई? बिल्कुल भी नहीं, मुझे अंदाज़ा तो था कि वो बखूबी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अपने बेटे इज़ अ वेरी प्राउड फादर, तो मुझे नहीं लगा था कि वो खुद को तकलीफ़ देकर भी काम कर लेंगे। लेकिन जब मुझे ताऊ जी ने फ़ोन करके बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तब मैं यहाँ देखने के लिए आई, तो मैं खुद से नहीं आई थी, ताऊ जी ने मुझे यहाँ भेजा। तो क्या बच्चा आपके सामने आ चुका है और आपने देखा बच्चा अकेला है, क्या आप लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल, अब इस मुसीबत में बच्चा एकदम डर चुका है, कुत्ते से, गाड़ी से, रास्ते से, उसके माँ बाप नहीं है, तो ऑब्वियसली ही इज़ कम्प्लीटली स्केयर्ड एंड आई विल टेक हिम होम। मैं उसे घर परेशानी हो जाएगी, घूमता रहेगा सम्राट बच्चे को, जब छोड़ते वक्त उनको कोई परेशानी नहीं हुई तो आई एम श्योर कि उसके नहीं रहते हुए भी कोई परेशानी नहीं होगी। घर लेके जा रहे बच्चे को? जी मैं घर लेकर जाऊंगी बच्चे को। थैंक यू सो मच। मदर्स डे आ रहा है, आखिरी सवाल क्या कहना चाहेंगे मदर्स डे का? मदर्स डे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर एनी चाइल्ड और अ किड, लेकिन हर दिन बच्चे के लिए माँ का दिन होता है, लेकिन एक ऐसा दिन होता है जहाँ बच्चा अपने माँ के बारे में जाहिर कर देता है अच्छे तरीके से, उसे सेलिब्रेट करता है, उसे अच्छी चीज़ें देके खुश करता है। तो आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ वेरी ब्यूटिफुल जेस्चर फ्रॉम अ ब्यूटिफुल रिलेशन बिटवीन अ मदर एंड अ किड, एंड आई विश कि हर बच्चा अपनी माँ को उतनी ही इज्जत, उतनी ही रिस्पेक्ट और उतना ही मान सम्मान दे, जिससे कि उसे ओहदे का अपने ही एक पहचान हो, एक माँ को अपनी जगह मालूम पड़े और ये पता चले कि बच्चा माँ के बारे में क्या सोचता है। सो विशिंग ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड अ वेरी हैप्पी मदर्स डे एंड टू ऑल द मॉम्स, लव यू। थैंक यू। थैंक यू।